तो चलिए इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, है ना, किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अगर यहाँ से एक्स कॉमन कर लीजिए तो थोड़े देर बाद आपको दिखेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। तो देखिए ये आपका 1 + log x है, 1 + log x है, थोड़ा और इसे क्लियर लिख देते हैं हम, तो और आपको क्लियर दिखेगा, 1 + log x और 1/x dx, है ना, थोड़ा और साफ लिख दिया हमने। तो देखिए 1 + log x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, 1 का 0 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, मतलब फाइनली 1/x आ गया, ठीक है। तो ये 1/x यहाँ पे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मतलब हमें एक आइडिया लग रही है कि किसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करें, u या v, जो भी सब्स्टिट्यूट करिए, सिंगल के कोई भी एक डमी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम t ले रहे हैं, लेट 1 + log x इक्वल्स टू टी हो गया, 1 का 0, log x का 1/x, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, t का 1 हो जाएगा और dt, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कन्वर्ट करके, इंटीग्रल ऑफ 1/t और ये 1/x dx क्या हो गया आपका, dt हो गया। अब देखिए 1/t का एंटी डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, क्योंकि आप जानते हो log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t होता है, इसका मतलब 1/t का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log mod t हो जाएगा ना, log ऑफ mod t, ठीक है। ये mod क्यों लगाते हैं, ये अपने किसी जो भी ट्यूटर पढ़ाते हैं या सर पढ़ाते हैं उनसे आप क्वेश्चन करिएगा कि कहीं mod लगाते हैं और कहीं mod नहीं लगाते, ऐसा क्यों है, ठीक है। खैर हम आंसर t के टर्म में तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि t हमारा डमी वेरिएबल है, किसी का u हो सकता है, किसी का v हो सकता है। फिर इस t को रखा क्या जाए, देखिए आपने सब्स्टिट्यूट किया था 1 + log x, तो ये हो गया आपका 1 + log x और प्लस ये इंडेफिनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर।